पुलिस बल की इकाई ने 6 महीने के भीतर रुकवाए 100 से ज्यादा बाल व्यवहार। महिला पुलिस बल विशेष इकाई ने रुकवाए बाल व्यवहार। 1 साल के अंदर 100 बाल व्यवहार रोकने में हुई एक टीम सफल। एक बाल व्यवहार सागर शहर के भगत सिंह बार में हो रहा था। बाल व्यवहार की जिसकी खबर लगते ही महिला पुलिस बल की विशेष इकाई ने मौके पर पहुंचकर बाल व्यवहार करवा रहे परिजन को समझाया और लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर शादी करें नहीं तो दोनों पक्षों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस समझाइश के बाद बर और बजू के पक्ष सहमत हो गए। विशेष इकाई की इंचार्ज ज्योति तिवारी और उनके साथ बल ने 1 साल के भीतर 100 बाल व्यवहार रुकवाया है। इस काम में कभी परिजनों को भी इस टीम को नाराजगी झेलनी पड़ती है और विशेष दल को जहां जब सूचना मिलती है तत्काल ऐसे बाल व्यवहार रोकने की निकल पड़ती है। इन 6 महीनों में पुलिस बल की विशेष इकाई ने 100 से ज्यादा बाल व्यवहार रुकवाने में सफलता प्राप्त की है। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। बरसात की पहली बौछार में ही शेरपुर ग्राम में रोजगार गारंटी में निर्मित जो स्टाम्प डैम है ये चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। घटिया निर्माण की पोल खुल गई पहली बरसात में ही। बांध रहता है जो खाल का जो पानी रहता है उसको रोकने का पाल बनाया जाता है बांध। उस बांध बरसात की पहली बौछार में ही भर कर निकल गया है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और यहाँ पर कई प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के दौरान हम यहाँ पर देखते हैं तो जो नरेगा में कुआं बना हुआ है जो कुआं बन के तैयार था लेकिन बरसात की पहली ही बारिश में वह पूरा ढह गया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि गांव में ही एक जो पुलिया बनी हुई है जो कि एक हाई सेकेंडरी स्कूल तक जाती है वहाँ पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है। उस पुलिया जो कि मात्र 3 पाइप डालकर बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। इस प्रकार आलोट पंचायत के अंतर्गत ग्राम शेरपुर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घपला हो रहा है। यहाँ तक कि जो बरसात की पहली बारिश में जो घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में की गई इसकी पोल तो खुल गई है पर अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें कब तक खुल पाती है। शेरपुर ग्राम में जो पंचायत द्वारा घटिया निर्माण किए गए हैं इनकी पहली बरसात में पहली पोल खुल चुकी है। अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें बंद हुई है जो कब तक खुल पाती है। आलोट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश मेवाड़ा। ग्वालियर चंबल अंचल में होने वाले 16 सीटों के विधानसभा के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा और मुरैना जिले की विधानसभाओं को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनील केदार और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनील केदार ने मीडिया से चर्चा करते हुए दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीटें जीतेगी। हम पहले भी जीते थे अब भी जीतेंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है खुददार भी हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए पार्टी की हत्या की है मैं उन्हें कतई ठीक नहीं मानता। इस बीच कांग्रेस के दावेदारों ने बैठक में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जबकि आज जिले में टोटल लॉकडाउन है। इसके बाद भी कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। ग्वालियर एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंबल प्रोग्रेस वे की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद थे। चंबल प्रोग्रेसवे देश के 4 बड़े कॉरिडोर से जुड़ेगा। चंबल प्रोग्रेसवे कुल 358 किलोमीटर लंबा है। मध्यप्रदेश में इसकी लंबाई 309 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर और राजस्थान में 32 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे 4 लेन बनाया जाएगा और भविष्य में 8 लेन में तब्दील किया जा सकेगा। इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोग्रेस वे भारत का महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जाहिर की कि केंद्रीय मंत्रियों के सहयोग से चंबल एक्सप्रेस वे का काम जल्द पूरा होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। लंबे इंतजार के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 1 मार्च 2020 से 19 मार्च 2020 के मध्य संपन्न कराई गई। हाई स्कूल परीक्षा में इस वर्ष 62.89 विद्यार्थी 62.84 नियमित छात्र तथा 16.95 सत्र परीक्षाएं उत्तीर्ण हुई। कुल मिलाकर 60.09% नियमित छात्र तथा 63.87% नियमित छात्राएं परीक्षा फल में सफल हुई। इस वर्ष संक्रमण के कारण हिंदी विशिष्ट अंग्रेजी विशिष्ट उर्दू विशिष्ट हिंदी सामान्य विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकी।
1444 छात्रों की परीक्षा फल बाद में घोषित किए जाएंगे। दसवीं के रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियां पड़ी लड़कों पर भारी, लड़कियों ने मारा अधिक पास होने का परसेंटेज। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, भोपाल। मंदिर पुजारियों की यही मांग है कि शिवराज सरकार मंदिर पुजारियों की मानदेय राशि जारी करे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मंदिर के बंद होने की वजह से मंदिरों का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। दान दक्षिणाओं चढ़ावे के ना आने की वजह से मंदिरों के पुजारियों को दिक्कत हो रही थी। इससे पुजारियों का रोज का खर्चा तक नहीं चल पा रहा था। ऐसी समस्या के चलते पुजारियों को उधार तक लेना पड़ा। अब मंदिर पुजारी यही चाहते हैं कि राज्य सरकार 7000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की आर्थिक सहायता प्रदान करे। पुजारियों का यह कहना है कि शिवराज सरकार मंदिर पुजारियों की समस्याओं की ओर ध्यान दे। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नर्मदा किनारे गड्ढे में बच्ची की डूबने से मौत के बाद गोताखोरों को नगर पालिका द्वारा दिया गया नोटिस। बड़वा में नर्मदा किनारे करीब 6 फीट गड्ढा कराया गया है, जहां पे शुक्रवार को झाबुआ से पाइपलाइन का कार्य करने 8 मजदूरों में से 12 वर्षीय मैना पिता मंसूर की नहाने के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही बड़वा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मौका स्थल का जायजा लेकर पंचनामा बनाया। दरअसल मृतक की मौत पर गोताखोरों को नगर पालिका द्वारा नोटिस देकर सवाल जवाब करते नजर आए। स्थानीय निवासी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा गड्ढा किया गया। उक्त घटना पर थाना प्रभारी संजय द्विवेदी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। इस तरह के सवाल जवाब की कार्रवाई से कहीं न कहीं नगर पालिका अधिकारी प्रशासन को गुमराह कर खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी बता रहे हैं नगर पालिका का गड्ढा, नगर पालिका इस बात से कर रही इनकार। अब देखने वाली बात यह हो गई कि बच्ची की मौत पर पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर पाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। पूर्व में चोर पुलिस शुरू है, जहां एक के बाद एक चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस के लिए चोरी की घटना चुनौती बन गई है। मानिकपुर, रामपुर और अब सीएसबी चौकी अंतर्गत कुहड़िया बरपाला में सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। पीड़ित परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में रतनपुर गया हुआ था। मकान मालिक रामचंद्र कोसले को फोन पर पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। कुछ दिनों पहले मानिकपुर में मोबाइल दुकान को, उसके बाद रामपुर में एक व्यापारी के घर से लाखों रुपए और जेवरात। इस चोरी के 24 घंटे के भीतर कुहड़िया में हुई चोरी ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरी के आरोपियों को पकड़ने 5 टीम गठित की गई है और 31 लोग शामिल हैं, जो चोर को पकड़ने दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खास सुराग नहीं मिल सका है। इस मामले के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और चोरों को तलाशने में लगी हुई है। देखना होगा कि कब तक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। कोरबा से एक्सपोर्टर मनोज यादव। ग्राम पंचायत नौदा में नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग कार्य तो करा रही है, लेकिन यह कार्य पूरे गांव में नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत नौदा गांव में घर घर पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाना था, जिसके लिए बोरवेल और पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई और घर घर पानी भी पहुंच रहा है, लेकिन सड़क किनारे बने करीब 25 मकानों तक पाइपलाइन नहीं भेजी गई, जिससे उनमें आक्रोश है। इस संबंध में जब उन लोगों ने ठेकेदार से चर्चा की तो ठेकेदार का कहना है कि जितना बजट था उतना कार्य हो चुका, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इसमें लापरवाही की जा रही है, जिसकी शिकायत भिंड कलेक्टर कार्यालय में जाकर करेंगे। वहीं पंचायत में बनी सीसी सड़कों को भी ठेकेदार ने खोद के डाल दिया है और बरसात से पहले मेंटेनेंस नहीं किया गया तो सड़क और धसक जाएंगी। पीएचई विभाग की नल जल योजना से पूरे गाँव वासियों को लाभ मिल पाता है या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रॉन बिंड। घर, कारखाना और दुकानों से निकलने वाले कचरों की समस्या बढ़ती जा रही है। इन कचरों से छुटकारा पाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा है। शहर में आज से 10 साल पहले ठोस अपशिष्ट प्लांट लगाया गया था, ताकि कचरे से होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। लगभग 10 लाख की लागत से जब यह प्लांट लगाया गया था तो शहरवासियों को यह लगा था कि अब शहरों से निकलने वाली कचरे का निपटारा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बहुउद्देशीय परियोजना लापरवाही और अनदेखी की भेंट चढ़ गई। अब आलम यह है कि यह प्लांट कबाड़ हो गया है। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कचरों से जैविक खाद बनाना, प्लास्टिक सामानों को रिसाइकल करना और लोगों को रोजगार देने के साथ ही नगर निगम के आय का साधन बनना था, लेकिन यह योजना अनदेखी की भेंट चढ़ गई।
नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने बताया कि इस प्लांट को जल्द से जल्द सुधार लिया जाएगा और मेंटेनेंस के अभाव में यह प्लांट का बाढ़ पड़ा हुआ था, जिसे सुधारने के बाद इसे तुरंत संचालित किया जाएगा। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। कक्षा दसवीं के रिजल्ट आने के बाद निजी स्कूलों का परफॉर्मेंस हुआ बेहतर, वहीं सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में आई गिरावट। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना, शिक्षकों की कमी व शिक्षकों से अन्य कार्य करवाने के चलते रिजल्ट में आई गिरावट। दसवीं कक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है। जिले के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रदेश की मेरिट में जिले को स्थान मिला है और नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा मुस्कान रावत ने प्रदेश की मेरिट सूची में सातवां स्थान बनाया है। छात्रा के इस प्रदर्शन से जहां उसके स्कूल में और परिजनों में हर्ष की लहर है, मुस्कान ने टोटल 300 अंक में से 297 अंक लेकर आई है। मुस्कान का परसेंटेज 99.99% रहा है। मुस्कान के पिताजी खुद सरकारी स्कूल में शिक्षक है और ओसाड़ा हाई स्कूल में शिक्षा देते हैं। मुस्कान कहती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और डॉक्टर बनकर अपने देश, अपने माँ बाप और अपने टीचर्स का नाम रोशन करना चाहती है। एक और जहाँ प्राइवेट स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट में इस साल फिर से गिरावट देखने को मिली। पिछले साल जहां सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 65.46% रहा था, वहीं इस बार इसमें गिरावट देखने को मिली है और इस बार सिर्फ 63.23 रिजल्ट प्राप्त हुआ है। जिम्मेदारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों को अन्य कार्य में लगाए जाने से संभवतः रिजल्ट में गिरावट आई है। ऐसा पहली बार नहीं है, लगातार कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यह जिला प्रशासन व सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आप ही के सरकारी स्कूल में रिजल्ट को लेकर गिरावट क्यों आ रही है, क्या व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। अमरचंद समैया सास की ओर से विद्यालय की भूमि पर करीब 200 व्यापारियों का है कब्जा। आए दिन हो रही है सड़क दुर्घटनाएं, करीब 15 करोड़ से ज्यादा लागत की है सास की भूमि, लेकिन प्रशासन बना है अनजान। सिलवानी, सेठ अमरचंद समैया के द्वारा सास के उत्कृष्ट विद्यालय के स्कूल के निर्माण की भूमि दान में दी गई थी। इस भूमि पर करीब 200 से ज्यादा व्यापारियों का करीब 40 सालों से कब्जा कर सास की भूमि पर व्यवसाय कर उपयोग किया जा रहा है। करीब 15 करोड़ से ज्यादा लागत की सास की भूमि पर व्यापारियों का कब्जा है। हालांकि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। प्रशासन कब्जा हटाने में रुचि नहीं ले रहा है। हाईवे से लगी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने से कई बार हादसे भी हो चुके हैं, इसके बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। करीब 60 साल पूर्व स्वतंत्र संग्राम सेनानी सेठ अमरचंद समैया के द्वारा करीब 14 एकड़ भूमि दान दी गई। सिलवानी के नागरिक जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के अधिकारियों तक लगा चुके हैं गुहार, लेकिन फिर भी नहीं हटा है सास की भूमि पर इन व्यापारियों का कब्जा। देखना ये है कब तक होती है कार्रवाई। सिलवानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए शिव कुमार रघुवंशी की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश में युवक कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर किया मौजूदा सरकार का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार को लगातार घेर रहा है। आज फिर प्रदेश के युवक कांग्रेस ने जबलपुर से साइकिल यात्रा कर भोपाल से पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष शशांक दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ता भोपाल साइकिल यात्रा कर पहुंचे, जहां पर इस रैली में जीतू पटवारी भी शामिल हुए। साथ ही सरकार से युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का की मांग है सरकार से कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ते दामों को कम किया जाए। प्रदेश के युवक कांग्रेस सरकार के विरोध में जबलपुर से साइकिल रैली निकालकर कार्यकर्ता पहुंचे भोपाल। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। शिक्षा के अधिकार की राशि में केंद्र सरकार का डाका, आवंटन और भुगतान की राशि में भारी अंतर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार गणित में शायद कमजोर है, या यूं कहें कि प्रदेश के साथ जानबूझकर गणित कर रही है। यदि आपको ये पूरा खेल समझना है तो शिक्षा के अधिकार के तहत केंद्र के से आवंटन राशि और भुगतान राशि के अंतर को समझना होगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने बताया कि शिक्षा सत्र 2017-18 में आवंटन था 35 करोड़ और भुगतान हुआ 31.84 करोड़, और सत्र 2018-19 में आवंटन था 295 करोड़ लेकिन मिला 140 करोड़। तो वही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आंकड़े तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो गया है। 2019-20 में आवंटन 169 करोड़ का था लेकिन मिला सिर्फ 49.49 करोड़। इस तरह 3 सालों में 499 करोड़ का आवंटन हुआ और सिर्फ 221 करोड़ मिला। गुणवत्ता की बात करने वाली केंद्र सरकार को ये समझना होगा कि राशि कटौती से गरीब बच्चों की पढ़ाई में काफी प्रभाव पड़ने वाला है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
दरअसल कुलकर्णी भट्टा पुल के लिए नगर निगम ने वर्षों पहले टेंडर जारी कर दिए थे, लेकिन काम शुरू होते होते महीनों बीत गए और तमाम दिक्कतों के चलते बार बार काम बंद होते रहे। पहले जहां अतिक्रमण के मामले को लेकर काम रुक गया, तो वहीं बाद में ठेकेदार ने बकाया राशि के भुगतान की वजह से काम रोक दिया। इसके बाद समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका। काम शुरू हुआ तो लॉकडाउन होने के कारण पूरी तरह बंद हो गया। नगर निगम के अधिकारियों ने विशेष अनुमति लेकर काम फिर से शुरू करवाया, लेकिन क्षेत्र में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद एक बार फिर काम बंद हो गया। पुल के अधूरे होने के कारण जहां क्षेत्रीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब निगम ने दोबारा काम शुरू करवा दिया है। ब्रिज के फिलहाल सिर्फ एक ही स्लैब डाली गई है, जबकि दो स्लैब डाली जाना बाकी है। निगमायुक्त का कहना है कि जल्द ही काम पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलवाया जा सके। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। इंदौर में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पारिवारिक विवाद में ही जहां एक भाई ने दूसरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी, तो वहीं एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल में दोनों ही मामलों में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी, जहां प्रॉपर्टी विवाद सामने आया, तो वहीं मल्हारगंज थाना क्षेत्र के मल्हार पल्टन में भतीजे शाहरुख ने अपने चाचा एजाज की नशे में चाकू मारकर हत्या कर दी, जहां फिलहाल में पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, जिनसे आगे पुलिस पूछताछ कर रही है। आप पारिवारिक बात को लेकर ही हत्या के ये मामले सामने आए हैं, जिसमें तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे अंदर दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर से रिपोर्टर अजय शेख। कोरोना महामारी के अंदर हुए लॉकडाउन का असर सुबह लेने वाली चाय की तुस्ती के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत में चाय की प्रमुख स्रोत आसाम और बंगाल है। यहाँ चाय की पत्ती की खेती की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहाँ भी लॉकडाउन था, जिसके कारण चाय के बागानों में चाय पत्ती का उत्पादन 50% ही रहा। वहीं कोरोना महामारी के चलते आसाम के हाल ही में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते चाय के दाम और बढ़ने की संभावना है। दरअसल भारत के चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य आसाम और बंगाल में अप्रैल में लॉकडाउन के चलते न के बराबर उत्पादन हुआ था। मई माह में भी 50% ही उत्पादन हुआ। वैसे भी गर्मियों में चाय की खपत कम होती है, परंतु कोरोना के चलते मांग बराबर बनी रही, इसी कारण लोकल मंडियों का स्टॉक खत्म हो गया। वहीं चाय का उत्पादन भी लॉकडाउन के चलते न के बराबर हुआ, जिसके बाद आने वाले समय में चाय के दाम और बढ़ने की संभावनाएं हैं। जहां खुली चाय पत्ती के अंदर भी 80 से 100 रुपए किलोग्राम पर वृद्धि हुई है, वहीं ब्रांडेड चाय पत्तियों के भी दाम में वृद्धि हुई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। खातेगांव पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, वहीं इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। दरअसल देवास जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही थी। नाबागत SP ने सभी थानों का निरीक्षण किया एवं पुलिस को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। खातेगांव पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय किए। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि खातेगांव के अजनास रोड पर 2 युवक मोटरसाइकिल बेचने के लिए घूम रहे हैं। तत्काल पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ा एवं पूछताछ में उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। खातेगांव पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने सतवास, कांटाफोड़ एवं इंदौर से मोटरसाइकिल चोरना बताया है। खातेगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश पवार। जिला सहकारी बैंक में ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये घोटाला 8 लाख से ऊपर पहुंच गया है। जिला सहकारी बैंक में ATM से किसानों के खाते से पैसे निकलने का मामला थम नहीं रहा है। यह मामला लगातार पुलिस के पास पहुंच रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक प्रबंधन भी टाल मटोल कर रहा है और ये कह रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधक जो सक्रिय का है उसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई आरोपी अभी तक पकड़ में आया है। और ये मामला अब लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले एक किसान के खाते से 5,76,000, उसके बाद 1,60,000 दूसरे किसान के खाते से और तीसरे किसान के खाते से 60,000 रुपए। इस तरीके से लगातार जो है घोटाला बढ़ते जा रहा है। अभी माना ये जा रहा है कि घोटाला और बढ़ेगा, क्योंकि बैंक से 1,000 से ज्यादा ATM गायब हो गए हैं, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों के बैंक के मिली भगत है। जिला सहकारी बैंक में पहले एक किसान से 5 लाख से ज्यादा की रकम उसके खाते से ATM के जरिए निकालने गई, अब दूसरा और तीसरा मामला भी थाने में पहुंच गया है। इस मामले में बैंक की भूमिका संदिग्ध है। बिलासपुर से रिपोर्टर शैलेंद्र पाल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने किए सवाल, अब कहां है बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करने वाले भाजपा के नेता।
दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने बैलगाड़ी को लेकर प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व गैस के मूल्यों में लगातार वृद्धि से जनता परेशान है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति से धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन महंगाई की मार ने पेट काटने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई केवल 1 से 2 रुपए बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब भाजपा के शासन काल में 10 से 15 रुपए डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। पूर्व मंत्रियों के कब्जे में शासकीय आवास, संपदा विभाग के अधिकारियों ने जारी किए नोटिस। प्रदेश में जम्बो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, इसके बाद मंत्रालय में उन मंत्रियों को कक्ष भी आवंटित हो गए हैं, लेकिन समस्या उनके अब निवास की है, क्योंकि जिन मंत्रियों को अब नए आवास दिए जाने हैं उन आवासों में पुराने मंत्रियों का कब्जा है। संपदा विभाग ने कई बार नोटिस जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे हैं और अजीब और गरीब तर्क देकर कहीं ना कहीं समय को बढ़ाया जा रहा है। पूर्व मंत्रियों का तय है, कोरोना काल चल रहा है इसलिए बंगले खाली नहीं हो पा रहे, तो कुछ मंत्रियों का कहना है कि अभी कोरोना के चलते साथ साथ वो विधायक भी है, इसलिए उनके पास रहने की दूसरी जगह नहीं है, इसलिए वो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। समता विभाग ने दो दिन का नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर बंगले खाली नहीं किए गए तो मजबूरी में पुलिस के द्वारा सामान को जब्त कर लिया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद भी पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, उनका तर्क है कि कोरोना काल के चलते अभी बंगला खाली नहीं हो सकता। तो वहीं संपदा विभाग का कहना है कि नए मंत्रियों को बंगला आवंटित करना है, इसलिए 2 दिन में बंगले खाली किए जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। जांजगीर चांपा जिले के सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने आए मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांजगीर चांपा जिले के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग के जिम्मेदार की चुप्पी ने अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले इस कदर बढ़ा दिए हैं कि अब उन्हें किसी भी शिकायत की कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला शक्ति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर सामने आया था, जहां एक मरीज के परिजन से अस्पताल की स्टाफ नर्स ने प्रसव के नाम पर 2,000 रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर बदसलूकी की जा रही थी। जैसे तैसे परिजनों ने पैसे की व्यवस्था कर उस स्टाफ नर्स को दिया, साथ ही इसकी शिकायत अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से भी की। शिकायतकर्ता की शिकायत ब्लॉक से लेकर जिले के अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है, मगर महीनों बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते मरीज और उसके परिजन भी जिम्मेदारों से इंसाफ की उम्मीद अब छोड़ चुके हैं। शिकायत के महीनों बाद भी दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने से शिकायतकर्ता का भी अब जिम्मेदारों से विश्वास उठने लगा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। जबलपुर ट्रैफिक पुलिस अब वाहन चालकों को स्मार्ट येलो कार्ड बनाकर दे रही है, जिससे उन्हें वाहन चेकिंग से निजात मिल जाएगी। यातायात पुलिस के द्वारा सड़कों पर अक्सर वाहन चेकिंग की जाती है, इस दौरान वाहन मालिकों के साथ अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए जबलपुर यातायात पुलिस ने अब स्मार्ट येलो कार्ड योजना लागू की है, जिसमें वाहन चालक यातायात दफ्तर में जाकर अपने वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज, आरटीओ रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर देंगे और इसके बाद उन्हें एक स्मार्ट येलो कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसमें उनकी सारी जानकारी समाहित होगी। चेकिंग के दौरान ये कार्ड दिखाने पर उन्हें किसी भी तरह की चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा और परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। इसके पहले भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तमाम तरह के कार्ड बनाकर दिए गए थे, लेकिन योजना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। देखना यह है कि ये योजना कितने समय तक चलती है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। नीमच जिले के दीरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुछरोट पैसे की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कुछरोट गांव में उस वक्त पैसे की बात को लेकर जमकर विवाद हो गया जब सरपंच प्रतिनिधि नवलगीर गोस्वामी अपने खेत से घर की ओर लौट रहे थे। बीच बचाव करने गए नवलगीर के परिजन भी मारपीट में घायल हो गए। वहीं घटना के कुछ देर बाद गाँव के ही दूसरे पक्ष के लोग ज्ञापन देने पहुंचे और सरपंच प्रतिनिधि पर उनके साथ घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए। फिलहाल जीरन पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव कुछरोत में हुए आपसी विवाद में ग्राम पंचायत कुछरोत के सरपंच प्रतिनिधि नवलगीर गोस्वामी सहित उनके परिजन व दूसरे पक्ष के लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं जीरन पुलिस मामले की जांच। रिपोर्टर विकास राव सिंह, नीमच।
खुरई रोड पर हो रहे ओवरब्रिज निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। दरअसल में बीना बड़ा रेलवे जंक्शन होने के चलते रेलवे लाइनों से घिरा हुआ है। बीना में रेलवे फाटक की वजह से काफी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं और उसी परेशानियों को देखते हुए ओवरब्रिज बनाने के लिए कई आंदोलन भी किए गए, जिसके बाद झांसी रेलवे फाटक एवं सागर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया और तीसरा ओवरब्रिज का निर्माण खुरई रोड पर शुरू हो गया। लेकिन खुरई रोड पर हो रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। आज दर्जनों लोगों ने ओवरब्रिज निर्माण को लेकर खुरई रोड पर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बनने के बाद दोनों जगह सिर्फ 15-15 फीट जगह रोड लाइट और नाली के लिए छोड़ी जा रही है और 11 केबी की लाइन भी वहीं से निकलनी है जो जानलेवा हो सकती है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंची एसडीएम अमृता गर्ग ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया है। हालांकि मामले में बीना एसडीएम अमृता गर्ग का कहना है कि ये शासन का प्रोजेक्ट है, इसे रोका नहीं जा सकता। अगर लोगों को आपत्ति है तो ठेकेदार के साथ साथ स्थानीय लोगों को बिठाल कर आपसी समझौता किया जाएगा। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी। पिछले एक सप्ताह से नगर पालिका के संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ। दरअसल सफाई कर्मियों का आरोप है कि उपस्थिति के बावजूद निष्ठा एप्स में अनुपस्थित बताकर 14 दिन का वेतन की कटौती कर दी गई है। कई बार शिकायत के बावजूद निराकरण नहीं होने से नाराज सफाई कर्मियों ने काम बंद हड़ताल कर दिया है। वही ठेकेदार द्वारा हड़ताल में गए चार सफाई कर्मियों को नौकरी से भी हटा दिया गया है। महादलित प्रतिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर हथेल के द्वारा कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर वेतन कटौती को दिलाने व हटाए गए सफाई कर्मियों को वापस का काम मिलने की मांग की है, जिस पर एडीएम ने बैठक कर दोनों पक्षों की समस्या सुनकर निराकरण करने की बात कही है। कोरोना संकट काल अवधि में अपनी जान जोखिम में डालकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया है, ऐसी स्थिति में उनका वेतन काटना नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। हम ये है कि हड़ताल में गए सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनने की बजाय नगरीय प्रशासन के द्वारा चार कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी संघ में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।